गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 8 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमारी अभी रिमेन्स हैं, तो आज उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जैसे वो हमारे यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए होंगे, एसएससी में आए हुए होंगे, या फिर अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे, जिससे हमें एक ये आइडिया लग जाएगा कि जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले लास्ट में हमने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब हमने ये बताया था कि इट इज एबिलिटी टू रजिस्ट द स्क्रैच ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड हार्डनेस। मतलब किसी भी मटेरियल में यदि हम स्क्रैच डेवलप करना चाहें तो उस मटेरियल में जो रजिस्टेंस उस स्क्रैच के बियॉन्ड जो रजिस्टेंस उत्पन्न होगा उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग हार्डनेस बोलते थे। अब देखिएगा, जब हार्डनेस टेस्ट हम लोग करते हैं तो इस तरीके से एक मशीन हमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेनेल हार्डनेस मशीन। उस पर जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो इस तरीके से हार्डनेस हमारा आता है BHN में, इट मीन्स फ्रेनेल हार्डनेस नंबर में। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्मॉल साइज के डायमीटर के स्फीयर को लेते हैं और इस पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं या स्क्रैच को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस पर जो भी हमारे हार्डनेस टेस्ट होते हैं वह किस में आएंगे, BHN में आएंगे। सिमिलर इसी तरीके से एक मशीन हमारी होती है बीकर हार्डनेस टेस्ट मशीन होती है, उस पर जब हम लोग हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, HB में आता है। जो हार्डनेस नंबर आता है वह HB में आता है। इसका पूरा नाम होता है बीकर हार्डनेस। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, रॉकवेल पे कर लेते हैं, देन इसी तरीके से नूप माइक्रो हार्डनेस पे कर लेते हैं। तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं, मेथड होते हैं किसी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हार्डनेस टेस्ट को फाइंड करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, टेंशन वर्सेस कंप्रेशन टेस्ट की अगर हम बात करेंगे किसी भी मटेरियल के लिए, तो सीधी सी बात है, टेंशन के लिए टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे और कंप्रेशन के लिए कंप्रेसिव फोर्स। ये मटेरियल है, इस पर अगर हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये मटेरियल है, इस पर हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों टेस्ट पे जब हमने आपको बताया था कि अगर हम टेंसाइल टेस्ट करेंगे तो हमारा स्पेसिमेन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब इस स्पेसिमेन को हम लोग ले जाते थे और टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते। अब देखिएगा, जब इन दोनों में हम टेस्ट करते हैं तो जैसे डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी अगर हमें फाइंड करना है तो हम किससे मेजर करेंगे, टेंसाइल प्रॉपर्टीज से। टेंसाइल टेस्ट हम लोग करके इस प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं कि मटेरियल हमारा कितना डक्टाइल है। देन आफ्टर देखिए, डक्टिलिटी मेटल्स सच एज स्टील कॉमा एल्यूमिनियम एंड कॉपर हैव प्रोपोर्शनल लिमिट इन कंप्रेशन वेरी क्लोज टू द टेंशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टील की बात करें या एल्यूमिनियम की बात करें, स्टील और एल्यूमिनियम दोनों में जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएं या हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएं तो दोनों के केस में इस एल्यूमिनियम और स्टील के मटेरियल में जो हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों के लिए लगभग लगभग सेम रहती है, और इलास्टिक लिमिट के लिए जो स्टील हमारा है, स्टील लगभग नियर होगा इलास्टिक और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों। इसीलिए स्टील के लिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट इज अप्रॉक्स इक्वल टू इलास्टिक। देन आफ्टर हम बात करेंगे इनिशियल रीजन ऑफ देयर
कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आर अबाउट द सेम। तो हम इसीलिए कह सकते हैं एल्यूमिनियम और स्टील के लिए ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की हम लोग बात करते हैं, एल्यूमिनियम और स्टील के लिए इस तरीके से देखिएगा, ये जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करते हैं, पहले क्या होगा सीधा कर्व जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर यहाँ से पैराबोलिक होगा, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से दोनों के लिए लगभग लगभग सेम ग्राफ जाता है स्टील और एल्यूमिनियम के। देन आफ्टर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अब देखो हाउ एवर आफ्टर यील्डिंग, यील्डिंग के बाद की बात हो रही है। यील्डिंग का मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपर यील्ड पॉइंट होगा, यहाँ पर हमारा लोअर यील्ड पॉइंट होगा। अब यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिक जोन हमारा होता है, इसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होती है। अगर हम इस यील्डिंग के बाद की बात करें डक्टाइल मेटल के लिए, देखिए हाउ एवर आफ्टर यील्डिंग बिगेंस द बिहेवियर इज क्वाइट डिफरेंट। लेकिन यील्डिंग के बाद, यील्डिंग के बाद देखिए इन दोनों का बिहेवियर ये कुछ ऐसा जाएगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो यील्डिंग के बाद स्टील और एल्यूमिनियम के मटेरियल का जो ग्राफ जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन डायग्राम में, वो कुछ डिफरेंट जाने लगेगा। देन आफ्टर इन ए टेंशन टेस्ट द स्पेसिमैन इज स्ट्रेस्ड, कॉमनिकिंग मे अकर एंड फ्रैक्चर अल्टीमेटली टेक्स प्लेस व्हेन द मटेरियल इज कंप्रेस्ड, इट ब्लॉक आउटवर्ड ऑन द साइड्स एंड बिकम बैरल। इसका मतलब ये है कि जब देखो हम किसी टेंशन टेस्ट की बात करेंगे, जब हम टेंशन टेस्ट की बात करेंगे, तो उस टेंशन टेस्ट में जब हम स्पेसिमैन पर, स्पेसिमैन पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच मतलब उसके कंप्रेस करेंगे, वो स्ट्रेच हो सकता है, उस पर नेकिंग हमें मिल सकती है। नेकिंग कुछ इस तरीके से, मान लो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग ऐसे टेंसाइल लोड लगाएंगे तो नेकिंग हमारी कैसे होगी, इस तरीके से ये हमारी नेकिंग हो जाएगी, यहां पे हमारा क्या होगा नेकिंग हो जाएगा। अब इस नेकिंग को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंशन टेस्ट यूज, है ना। जबकि अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल में कुछ बैरल शेप हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा होता है टेंशन वर्सेस कंप्रेशन टेस्ट में डिफरेंस। हम लोग मैक्सिमम मोर प्रोफेबल टेंशन टेस्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड करते हैं। देन आफ्टर जैसे देखिएगा ब्रिनल हार्डनेस नंबर अगर हमें निकालना हो, BHN, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हम जब टेंशन टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग, मान लो अगर स्क्रैच फाइंड करना हो या कुछ भी करना हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रिनल हार्डनेस मशीन पर ब्रिनल हार्डनेस नंबर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला हमारा होता है अप्लाइड लोड पी अपॉन पाई डी बाई टू ब्रैकेट में डी माइनस रूट ओवर डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई वर्कपीस था, इस वर्कपीस पे हम लोग, इस वर्कपीस में हम लोग इस तरीके से कोई लोड लगाएंगे, तो उसका इनिशियल डाया मान लेते हैं डी, कैपिटल डी, फाइनल डाया हम मान लेते हैं स्मॉल डी। ये लोड अप्लाइड होने के पहले, ये लोड अप्लाइड होने के बाद, ये हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया वो अलग बात है। अब इस पे जो हम लोड अप्लाई करते हैं पी, तो पी इज द स्टैंडर्ड लोड विच इज अप्लाइड ऑन द टेंशन टेस्ट एंड डी इज द डायमीटर ऑफ स्टील बाल एंड स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ इंडेंट, इंडेंट मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से यह हमारा फार्मूला होता है, यह किसके लिए होता है, जब हम लोग स्क्रैच या हार्डनेस टेस्ट करते हैं तो ब्रिनल हार्डनेस मशीन पे करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला हमारा। देन आफ्टर ये देखो इस तरीके से
जब हम लोग क्या करते हैं टेंशन वर्सेस कंप्रेशन में देखते हैं, तो ये हमारे पास अगर टेंशन लोड इस बार पे अप्लाई करें, इस बार पे टेंशन लोड अप्लाई करें, तो यह देखो अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन देगा तो कुछ इस तरीके से अपने शेप को चेंज करेगा, और लोड अप्लाई करने पर यह और अपने शेप को इस तरीके से डिफॉर्म करता है। लेकिन अगर यह ब्रिटल मटेरियल होता तो यह कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे क्रैक होकर अलग हो जाता। तो यह हमारा होता है टेंशन वर्सेस कंप्रेशन टेस्ट में कैसा मटेरियल अपना बिहेवियर दे रहा है उसको देखने के। और ये जो डिफॉर्मेशन होगा इस तरीके से, इसी डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, एन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। एन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो जैसा कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं क्रीप क्या होता है, फटीग क्या होता है, तो उसी क्रीप और फटीग को जानने के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल की एन इलास्टिक प्रॉपर्टीज जाननी होगी, देर आफ्टर हम लोग क्रीप एंड फटीग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इफ एन इलास्टिक लोड इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, मान लो या आप कोई हमारे पास इस तरीके से एक बॉडी है, इस पर हमने इलास्टिक लोड अप्लाई किया, इसने अपने शेप को चेंज कर लिया, लोड को हम रिमूव कर देंगे तो यह फर्दर अपने शेप को रिगेन कर लेगा ओरिजिनल शेप को, तो ऐसे लोड को इलास्टिक लोड कहते हैं। तो जब इस बॉडी पर इलास्टिक लोड हम अप्लाई करेंगे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक इस पर हम लोग इलास्टिक लोड अप्लाई कर दें, तो उसके बाद जब इस लोड को हम लोग रिमूव करेंगे तो इस मटेरियल पर क्या बिहेवियर आएगा वो देखते हैं। तो वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड एट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर, और एक हाई टेम्परेचर पर इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो इट परमानेंटली डिफॉर्म द बॉडी इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड, दिस फिनोमिना इज नोन एज एन इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। मतलब आप समझो कि हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी मटेरियल में इलास्टिक लोड अप्लाई करें और उस इलास्टिक लोड को रिमूव करने पर वह मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, लेकिन अगर उसी इलास्टिक लोड को बहुत लॉन्ग टाइम तक हम लोग अप्लाई किए रहें, इवन देन रूम टेम्परेचर की बात कर दें, रूम टेम्परेचर पर उस इलास्टिक लोड को अप्लाई किए रहें, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वह मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन देगा, और इस परमानेंट डिफॉर्मेशन के फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एन इलास्टिसिटी। जैसे अगर हम बात करें अपने फैन की, अगर हम बात करें अपना फैन जो हमारा सीलिंग फैन है, तो इस तरीके से जो हमारे सीलिंग फैन रोटेट कर रहे हैं, अब देखो क्या होगा, ये तो हमारा रोटेट कर रहा है, इस शाफ्ट पे लगा हुआ है, इसका पूरा का पूरा लोड इस शाफ्ट पे आ रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है, क्या 10 20 साल 50 साल 100 साल बाद इसके शाफ्ट की लंबाई बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, तो इन सब चीजों पे देखिएगा। अगर देखो इसका लोड लगातार इस पे अप्लाई हो रहा है और कांस्टेंट लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये श्योर है कि इस रॉड की लेंथ में इंक्रीज होगा। तो मटेरियल की इसी प्रॉपर्टीज को एन इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए इस मटेरियल को हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं कि इस मटेरियल में जो टोटल लेंथ जो डेल्टा एल इंक्रीज हो, डेल्टा एल इंक्रीज हो लगभग 100 ईयर में डेल्टा एल 5% से लेस अगर मतलब इंक्रीज हो रहा है, वह मटेरियल हमारा सेफ माना जाता है। इंक्रीज फिर भी होगा लेकिन लगभग 5% से लेस, अगर 5% से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है वह हमारे लिए फेल्योर है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1000 साल बाद देखें, 1000 ईयर बाद देखें, तो यह जो फैन है इसकी सेफ्ट इतनी बढ़ जाएगी कि हो सकता है वह फैन हमारा जमीन पर आ जाए, 10000 साल बाद देखें तो और ज़्यादा लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से वह ड्यू टू इलास्टिक लोड अपने अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन दे रहा है, इसी प्रॉपर्टीज को एन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसे हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं,
पहला हम लोग क्रीप और सेकंड हम लोग स्ट्रेस रिलैक्सेशन से डिफाइन करेंगे। क्रीप का मतलब क्या है? ए परमानेंट नॉन रिकवरेबल डिफॉर्मेशन विच ए मटेरियल फील्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इलास्टिक स्टैटिक लोड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट रिलेटिवली एट हायर टेम्परेचर। वही चीज मैंने बताया कि किसी बॉडी पर परमानेंट इलास्टिक लोड अप्लाई कर दीजिए एक हाई टेम्परेचर पर, तो परमानेंट इलास्टिक लोड को जब रिमूव करेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय के बाद, साल दो साल दस साल बाद, तो उसमें क्या होगा? एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा मटेरियल की। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग मटेरियल के डिफॉर्मेशन को क्रीप कहते हैं। अब हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अभी हम लोग प्राइमरी क्रीप पढ़ेंगे, टर्सर सेकेंडरी पढ़ेंगे। देखो स्ट्रेस रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? ए परमानेंट डिफॉर्मेशन When a material is tightened between two joints for a long time at the deformation process, it loses the joint to lower the stress. इसका मतलब ये है कि सपोज करो, इसका मतलब आप ये समझिए कि मान लो ये हमारा एक प्लेट हो गया, ये हमारी दूसरी प्लेट हो गई। इन दोनों को हम लोग क्या है, परमानेंट रिवेट से टाइट कर दें चाहे नट एंड बोल्ट से टाइट कर दें। इन दोनों के अंदर परमानेंट ड्यू टू चाहे सेल्फ लोड कह लीजिए चाहे एक्सटर्नल लोड कुछ इस पे हम लोग अप्लाई कर दें, उसके कारण इसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे। उस स्ट्रेस की वजह से यदि यह ज्वाइंट हमारा फेल कर जाए तो इस तरीके के प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। देन आफ्टर अब हम लोग देखेंगे क्रीप कर्व। क्रीप कर्व हम लोग देखेंगे। क्रीप कर्व हमारा क्या होता है कि सबसे पहले कुछ सालों तक, देखो जब हम लोग इधर हम लोग स्ट्रेन की बात करें, इधर हम लोग टाइम की बात करें, मतलब कितने सालों में कितने विकृति होगी, कितने उसमें स्ट्रेन होगा। तो अगर हम शुरू में देखेंगे तो यहां से यहां तक देखो इतना स्ट्रेन होने में उस मटेरियल को इतना टाइम लगा और उसके बाद देखो फिर हमारा क्या हो गया, कुछ दिनों तक वो मटेरियल बहुत धीरे धीरे डिफॉर्म होगा। पहले शुरुआती कुछ दिनों में बहुत तेजी से डिफॉर्म होगा, फिर उसके बाद फिर कुछ दिनों में वह क्या होगा, बहुत धीरे धीरे डिफॉर्म होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उस मटेरियल में डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा। देखो अगर डिफॉर्मेशन की बात करेंगे तो लगभग इतना डिफॉर्मेशन होगा, और टाइम आप देखोगे तो टाइम इसका लगभग 3 से 4 गुना 3 to 4 times आपको दिखाई देगा। इतने टाइम मतलब अगर 10 साल में मटेरियल इतना डिफॉर्म होगा तो 40 साल में इतना डिफॉर्मेशन हो। तो अब आप देखो कि कुछ दिनों बाद मटेरियल में डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा, लेकिन फिर उसके कुछ दिन बाद, यहाँ के कुछ दिन बाद अब मटेरियल बहुत तेजी से डिफॉर्म होना शुरू करेगा, और देखो थोड़े ही समय में, केवल इतने ही टाइम में मटेरियल में इतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन हमें मिल गया है। तो इस तरीके के क्रीप स्ट्रक्चर कर्व को हम लोग बोलते हैं क्रीप कर्व। और जो प्राइम देखो जो पहला डिफॉर्मेशन मिलता है उसे हम लोग प्राइमरी क्रीप बोलते हैं, जो सेकेंड जोन मिलता है उसे हम लोग सेकेंडरी क्रीप कहते हैं, और जो थर्ड जोन मिलता है उसे हम लोग टर्नरी क्रीप। ये हमारा होता है क्रीप कर्व। आगे बढ़ते हैं, इसके एक एक बारे में समझते हैं। जैसे प्राइमरी और ट्रांस, देखो प्राइमरी क्रीप के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी क्रीप हमारी क्या होती है। तो अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग क्रीप रेट, दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व विथ द टाइम, है ना, डायमेंशंस विथ द टाइम। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो ये लगातार, देखो ये अगर इस तरफ ग्राफ जाता है वह अपने क्रीप को डिक्रीज कर रहा है, अगर वही ग्राफ ऐसा जाता तो मतलब क्रीप को इंक्रीज करता है। यहाँ पे क्रीप हमारी परमानेंटली इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे क्रीप हमारी परमानेंटली डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखो ये हमारा है जो क्रीप इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब देखो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग क्रीप रेट, जो क्रीप रेट हमारा है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है टाइम के
अकॉर्डिंग, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्रीप, द मटेरियल एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन क्रीप रेजिस्टेंस टू स्ट्रेन हार्डनिंग। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे सेकेंडरी क्रीप की बात करेंगे, तो सेकेंडरी क्रीप में टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कम डिफॉर्मेशन मिलता है। इसका मतलब द क्रीप रेट इज कॉन्स्टेंट, दैट इज द पायलट बिकम्स लीनियर, लगभग लीनियर आपको दिखाई देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लगभग आपको लीनियर दिखाई देगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग एंड रिकवरी टेक्स प्लेस, वहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग हमें मिलेगी और लगभग लगभग रिकवरी दिखाई देगी। नेक्स्ट बात करेंगे टर्नरी क्रीप। टर्नरी क्रीप में क्या होगा, देयर इज एन एक्सेलरेशन ऑफ द क्रीप, वहाँ पर क्रीप एक्सेलरेट करेगी। देखो बहुत तेजी से क्रीप बढ़ेगी और एक्सेलरेशन ऑफ क्रीप रेट एंड अल्टीमेट फेल्योर अकर्स, वहाँ पर हमारा अल्टीमेट पॉइंट मिलेगा, उसके बाद वो मटेरियल फेल कर जाए। देन आफ्टर हमारा क्या होगा, जैसे माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस, दैट इज ग्रेन बाउंड्री सेपरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल क्रैक्स कैविटीज कम वॉइड्स टेक्स प्लेस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिलने लगेंगी। इंटरनल क्रैक्स आपको दिखाई मतलब मिलेगा, उसके अंदर कैविटी बनने लगेगी, उसकी जो ग्रेन बाउंड्री है वो अलग होने लगेगी, ग्रेन बाउंड्री साथ में वॉइड्स मिलने लगेंगे, मतलब ये मेटल था। तो टर्नरी क्रीप में इस तरीके से अंदर आपको वॉइड्स परफॉर्म होने लगेंगे, ऐसे इसके अंदर जो ग्रेन बाउंड्री आपको दिखाई दे रही थी उसमें कुछ चेंजेस आने लगेंगे, इंटरनल क्रैक्स कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, देखो जो टेस्टिंग करते हैं एक मटेरियल को डिफॉर्म करके करते हैं उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और एक मटेरियल को बिना डिफॉर्म किए करते हैं उसे बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो इस तरीके से ये टेस्टिंग हमारी होती है। अब ये हमारा हो गया नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के थ्रू इसको हम लोग चेक करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब जैसे हमारी कौन कौन सी टेस्टिंग होती हैं, जो हम लोग क्या करते हैं मटेरियल को बिना तोड़े जो लेजर बीम से एक्सरे से करते हैं, है ना, इन सब टेस्टिंग को हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव। आगे बढ़ते हैं, अब देखो डायनेमिक लोडिंग एनालिसिस। डायनेमिक लोडिंग एनालिसिस मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब कोई फ्लक्चुएटिंग लोड हम किसी मटेरियल पर लगाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत तेज़ी से बदलता है, चेंज फ्रेक्वेंटली विथ द टाइम। जब किसी मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं डायनेमिक मतलब लोड लगाते हैं तो उस लोड का मैग्नीट्यूड और देखो लोड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत तेज़ी से बदलता है, तो ऐसे लोड को हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड या फटीग लोड। अब इस फटीग लोड के कारण जो मटेरियल में फेल्योर आता है उसे हम लोग फटीग फेल्योर बोलते हैं, है ना। जैसे ये मटेरियल है, अब इस पर देखो, इस पर हम हैमरिंग करें रिमूव कर ले, हैमरिंग करें रिमूव कर ले, इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर इस मटेरियल पे हम लोग बार बार लोड लगा रहे हैं और रिमूव कर ले रहे हैं तो यह अपने शेप को रिगेन कर ले रहा है, लेकिन लगातार कॉन्स्टेंट लोड लगाने पर, कौन सा लोड, फ्लक्चुएटिंग लोड लगाने पर इस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरीके के फेल्योर को हम लोग बोलते हैं फटीग फेल्योर, इस तरीके के फेल्योर को हम लोग बोलते हैं फटीग फेल्योर। देन देखो द फेल्योर ऑफ द मटेरियल ड्यू टू फटीग लोडिंग इज टर्म्ड एज फटीग फेल्योर, द फटीग फेल्योर इज सडन एंड, मैंने बताया कि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी मटेरियल में इलास्टिक लोड लगातार लगाने पर उस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, ऐसे डिफॉर्मेशन को फटीग फेल्योर। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया, जैसे हमने देखा। अब उसमें फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में भी इंडोरेंस लिमिट भी आपको मैंने बताई थी, इंडोरेंस क्राइटेरिया आपका किसके लिए होता है, फटीग फेल्योर के लिए होता है। उसके बाद फटीग फेल्योर कॉमा इंडोरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्लक्चुएशन लोड दैट स्टैंडर्ड स्पेसिमैन कैन सस्टेन
फॉर एन अल्टीमेट नंबर ऑफ साइकिल विदाउट फटीग फेल्योर। इसको हम लोग देखते हैं एसएन कर्व पर, एसएन कर्व पर, एसएन कर्व पर ये जो हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड लगाएंगे वहां पर जो एंड्योरेंस लिमिट निकल के आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी मटेरियल की एंड्योरेंस लिमिट निकल के आएगी उसे चेक करते हैं एसएन कर्व पर। एस पर हमारा होता है स्ट्रेस और एन हमारा होता है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। तो इस तरीके से जो हम लोग एसएन कर्व देखते हैं तो यह लगभग हमारा होता है कितना, 1 मिलियन, 1 मिलियन ईयर में, 1 मिलियन ईयर में उस स्ट्रेस का जो हम लोग चेक करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। इसके लिए हमने आगे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर रिकवरी के लिए ये तो था ही, ये रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए था, इस तरीके से रिक्रिस्टलाइजेशन जोन हमारा था। तो एसएन कर्व बस इतना याद रखिएगा कि जो एसएन कर्व है वो हमारा फटीग फेल्योर में निकाला जाता है और एंड्योरेंस लिमिट के लिए निकाला जाता है। मतलब होता क्या है कि कोई भी मटेरियल हमारा कब सेफ माना जाएगा, अगर वह मटेरियल की लाइफ 1 मिलियन ईयर तक सस्टेन कर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं वह मटेरियल हमारे लिए फुलफिल है, हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहा है, फेल नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक रिकवरी होता है, किसी भी चीज़ की रिकवरी हो जाए, चाहे वो इलास्टिक रिकवरी हो चाहे वो प्लास्टिक रिकवरी हो, प्लास्टिक में तो रिकवरी नहीं होती है। रिकवरी का मतलब क्या है, ड्यूरिंग रिकवरी द प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड वर्कपीस इज हीटेड स्लाइटली सो दैट द स्ट्रेस इन द हाईली डिफॉर्म्ड रीजन ऑफ द मेटल पीस आर रिकवर्ड। मतलब ये है, ये मेटल हो गया, अब इस पर अगर हमने ऐसे परमानेंट डिफॉर्मेशन कर दिया है हैमरिंग एक्शन से या कुछ भी, अब इसे जब हम लोग धीरे धीरे हीट करेंगे तो इसके अंदर जो स्ट्रेस हमारे स्टोर्ड हो गए हैं वो रिलीज होंगे और यह मटेरियल फर्दर अपनी ओरिजिनल शेप में रीच करने की कोशिश करेगा, तो इसी फिनोमिना को हम लोग रिकवरी का, यही हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग रिकवरी देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस या स्ट्रेंथ। तो इस रिकवरी के समय उस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये एक रिकवरी हो गया जो पहले भी हमने बहुत टॉपिकों में डिस्कस किया था। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक टर्म आता है रिक्रिस्टलाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इसी पे हम लोग पढ़ेंगे, अपर रिक्रिस्टलाइजेशन और लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर या एट रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो, इफ द टेम्परेचर इज रेज फर्दर न्यू ग्रेन्स स्टार्ट फॉर्मिंग। मतलब इसका ये है कि मान लो ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस में ये ग्रेन्स, भाई सीधी सी बात है, वर्क पीस हमारा क्या है, डिफरेंट ग्रेन्स से मिलकर बना है, लेकिन जैसे ही इसको हम हीट करेंगे तो एक ऐसे टेम्परेचर के बाद इसके ग्रेन के अंदर आपस में जो बॉन्डिंग है, कोहेसिव बॉन्डिंग है, वो वीक होने लगेगी और वीक होकर वो ख़त्म हो जाएगी। देन आफ्टर ये सारे मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे बाहर घूमने के लिए, और उसके बाद अगर और हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये सारे ग्रेन्स कन्वर्ट होकर कुछ न्यू ग्रेन्स बनाने शुरू कर देंगे, जिस टेम्परेचर पर इन न्यू ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है उसी टेम्परेचर को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। अब देखो, जहां पर न्यू ग्रेन्स, देखो, स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स इज कॉल्ड लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और जहां पर देखो, ऐसा है, मान लो अगर हम स्टील का एग्जांपल ले लें, तो इसका जो TM फॉर मेल्टिंग टेम्परेचर
लगभग 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह हमारा न्यू ग्रेन्स में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और लगभग 1150 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग इसके न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन बंद हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर जब हम लोग हीट अप करते हैं तब वह मटेरियल क्या होता है, धीरे धीरे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। किस टेम्परेचर पर, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जहां पर न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे उसे हम लोग लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहेंगे, और जहां पर न्यू ग्रेन्स हमारे स्टॉप हो जाएंगे, उसे हम लोग अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अपर रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए ऐसा देखिए, अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इसका मतलब हम कह सकते हैं एट दिस टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स कंप्लीटली चेंज या स्टॉप। एट दिस टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स स्टॉप, या स्टॉप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कंप्लीटली चेंज हो गए हैं वहां पर। उस टेम्परेचर को हम लोग अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वही होता है जहां पर न्यू ग्रेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। द इवेंट इज टर्म्ड एज रिक्रिस्टलाइजेशन। ड्यूरिंग रिक्रिस्टलाइजेशन डक्टिलिटी इंक्रीज वेयर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस डिक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे न्यू ग्रेन्स बनने शुरू होते हैं तो मेटल के अंदर कोहेसिव बॉन्ड की प्रॉपर्टी, कोहेसिव बॉन्ड वीक होने लगते हैं। तो इसका मतलब मटेरियल अच्छा डक्टाइल बनने लगता है, और जब मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ेगी तो उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस हमारी डिक्रीज होगी। तो ये हमारा होता है उसकी प्रॉपर्टी। अब देखो, हर मटेरियल के लिए अलग अलग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। जैसे मेटल हमारा क्या है, लेड के लिए हम अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बात करें और मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करें, तो रिक्रिस्टलाइजेशन -4 डिग्री पर, और टिन के लिए भी -4, जिंक के लिए 10 डिग्री, एल्यूमिनियम के लिए 80 डिग्री, कॉपर के लिए 120, ब्रास के लिए 475 डिग्री, और निकिल के लिए 370 डिग्री, आयरन के लिए 450 डिग्री, टंगस्टन के लिए 1200 डिग्री, स्टील के लिए भी हमने अभी आपको बताया था। मेल्टिंग टेम्परेचर ये सबके अलग अलग है, 327, 220, इस तरीके से इन सब का भी मेल्टिंग टेम्परेचर है। तो जैसे 1538 डिग्री हमारा किसका है, आयरन के लिए है। तो ये हमारा हो गया अप्रॉक्स 1539। देखो एक नोट पॉइंट देखें, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील इज बिटवीन 500 डिग्री टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पे स्टार्ट हो रहा है लगभग हमने बताया 739 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन दोनों के बीच में हो। अब वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की स्टील हमारी है। चलिए आगे बात करते हैं ग्रेन ग्रोथ। ग्रेन ग्रोथ क्या होते हैं, ग्रेन ग्रोथ बस इतना समझो कि जैसे देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज रेज्ड फर्दर द ग्रेन्स बिगेन्स टू ग्रो एंड देयर साइज मे बी इवेंचुअली एक्सीड द ओरिजिनल ग्रेन साइज इज कॉल्ड ग्रेन ग्रोथ। दिस फिनोमिना एडवर्सली अफेक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। होता क्या है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल्स इस साइज में बने हुए थे, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल का साइज था ये था, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद न्यू ग्रेन्स बने, फिर उसके बाद उसमें जो न्यू ग्रेन्स बनने शुरू हुए वो न्यू ग्रेन्स हमारे क्या हुए, उन ग्रेन्स में कुछ ग्रोथ होना शुरू हो जाए। मान लो न्यू ग्रेन्स ये साइज का बन गया, अब टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाए, ये ग्रेन्स हमारे क्या हो जाए,
इंक्रीज करने शुरू हो जाएं, तो जैसे ही ग्रेन्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो उसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है उन सब पे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। मतलब इसकी डक्टिलिटी, देखो स्ट्रेंथ घटेगी, अगर ग्रेन्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो ग्रेन्स बढ़ने पर, ग्रेन ग्रोथ होने पर स्ट्रेंथ घटेगी, टफनेस आपकी घटेगी, रेजिस्टेंस आपकी घटेगी। इस तरीके से डक्टिलिटी अगर आपकी इसकी ज़्यादा थी तो बढ़ने पर कम हो जाएगी, या यहाँ पर कम थी तो डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जस्ट अपोजिट रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं जब इनके ग्रेन्स और हीटअप देने पर ग्रेन में ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग ग्रेन ग्रोथ बोलते हैं। और इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब इस कर्व को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा कौन सा कर्व है जो हम लोग आपको पढ़ेंगे, ट्रिपल टी कर्व पढ़ेंगे या फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टील के लिए आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसको और अच्छे से डिस्कस किया जाता है कि कहाँ पर स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ कब डिक्रीज होगी, डक्टिलिटी कब बढ़ती है। तो ये सिंपल सा हमारा है, देखो एक टेस्ट हमारा क्या है कि जैसे ग्रेन साइज ये बढ़ रहे हैं, इधर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है देखो ये जो हम बात करें डक्टिलिटी की, डक्टिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। किसी भी चीज़ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ग्रेन साइज बढ़ेगा तो उसकी डक्टिलिटी हमारी इंक्रीज होती है और उसकी स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होती है एंड हार्डनेस भी हमारी डिक्रीज होती है। बस यही तीन पॉइंट आपके लिए इस पर इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब किसी वर्क पीस के ग्रेन ग्रोथ होने पर, ग्रेन साइज बढ़ने पर उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे डक्टिलिटी उसकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी और स्ट्रेंथ और हार्डनेस उसकी धीरे धीरे डिक्रीज। तो ये हमारा एक फिनोमेना होता था ग्रेन ग्रोथ का। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हमने यहाँ पे मैंडेटरी यानी दिखाया नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है किस बोर्ड में, लेकिन सारे बोर्ड के ही क्वेश्चंस लिए। चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल इसमें हमारा कौन सा है। तो अगर रब, इलास्टिक का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करिए इलास्टिक लिमिट तक, फोर्स हटा लेने पर वह अपने शेप और साइज को रिगेन कर ले। तो रबर हमारा पूरी तरीके से रिगेन नहीं कर पाता है, एल्युमिनियम भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल हमारा क्या होता है माय डियर, वो होता है स्टील। स्टील पर अगर हम लोड लगाएं इलास्टिक लिमिट तक वह अपने शेप और साइज को चेंज करेगा, और जैसे ही लोड रिमूव करेंगे वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मोस्ट इलास्टिक मटेरियल इन दीज ऑप्शन हमारा होता है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फॉर ए डक्टाइल मटेरियल, किसी डक्टाइल मटेरियल के लिए टफनेस इज द मेजर ऑफ, किसी डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोग टफनेस को कैसे मेजर करते हैं। तो सीधी सी बात है, टफनेस हमारी क्या है, जो मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी है, यही तो मॉडुलस ऑफ टफनेस हम लोग पढ़ते थे। इस तरीके से अगर यहाँ पे होता था तो ये टोटल मॉडुलस ऑफ टफनेस होता था, यहाँ पे निकालना हो तो ये इसकी टफनेस होती थी। तो स्टोर्ड एनर्जी बिफोर रैप्चर इज कॉल्ड टफनेस। तो हमारा क्या होता है, पहला है रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, ये नहीं होगा, जब किसी चीज़ को स्क्रैच करने की रेजिस्टेंस होगी तो वहाँ पे हार्डनेस होगा। देन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब दी। देखो अगर, अच्छा इसमें भी आप देखो, इसमें भी आपको दो तरीके का आंसर दिखाई देगा। ये जब टफनेस की बात कर रहा है, और एक हमारा होता है मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस हमारा क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर, जहां फ्रैक्चर यानी कि रैप्चर की बात कर दे, रैप्चर की बात कर दे तो वहां पर हमारा मॉडुलस ऑफ टफनेस होता है, और एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, तो वो हमारा क्या होता है, टफनेस। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर्स आपको देने चाहिए। लास्ट हमारा क्या था, रेजिस्टेंस टू इंडिटेंशन, तो इससे कोई मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए ग्लास रॉड ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट वुड एग्जिस्ट।
जब कोई ग्लास का रॉड होगा डियर, तो ग्लास के रॉड में हम लोग क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, लोड की वैल्यू बढ़ेगी तो यहीं से क्रैक कर जाए। कोई कुछ देर तक रजिस्ट करेगा, यह इस तरीके से कुछ देर तक यहां तक रजिस्ट करेगा, फिर यहीं पे फेल हो जाएगा। तो ग्लास के लिए हमारा क्या होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन तो जाएगी लेकिन यहां पे सडन ब्रेक होगा, पैराबोला लाइन नहीं जाएगी, सडन ब्रेक, उसमें हमारा क्या होगा, सडन ब्रेक होता है। अगर ग्लास हमारा है वह मटेरियल सडन ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी, निम्न में से कौन से मटेरियल में सबसे ज्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टीज है। तो देखो ग्रे कास्ट आयरन हार्ड होता है, हार्ड मटेरियल में डक्टिलिटी नहीं होती, कम होती है। अब हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील और एलॉय स्टील में जो माइल्ड स्टील होता है इसमें सबसे अधिक डक्टिलिटी, परसेंटेज ऑफ कार्बन उसमें कम होगा, तो इस तरह से इसकी डक्टिलिटी ज्यादा हो। देन आफ्टर द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई, देखो कास्ट आयरन की सबसे अच्छी यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो कास्ट आयरन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, किसी भी मशीन के बेस में, ऐसा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उस पर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से इस मटेरियल इस बेस पर कितना भी ऊपर से एक्सटर्नल लोड, कंप्रेसिव या डैम्पिंग वाइब्रेशन वगैरह आए, सारी चीज़ों को यह एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यह इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी। तो कास्ट आयरन की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या, मैलेबिलिटी होगी, नहीं, मैलेबिलिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि पतली सीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टीज को मैलेबिलिटी कहते हैं, ड्यू टू अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। डक्टिलिटी नहीं होगा, डक्टिलिटी मैंने आपको बताया था कि अंडर द टेंसाइल फोर्स मटेरियल को हम लोग थिन वायर क्रॉस सेक्शन में चेंज करेंगे। टफनेस भी नहीं होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर द रैप्चर, ये हमारा क्या होगा, डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक, डैम्पिंग वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है आपका, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, किसी सॉलिड मटेरियल में लॉन्ग टर्म तक अगर हमारा लोड लग रहा हो तो उस वजह से हाई लेवल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस दैट आर स्टिल बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ, उसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वही तो हमारा क्रीप होता था। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि किसी मटेरियल में जब हम लोग परमानेंट इलास्टिक लोडिंग लगा दें और यह लोड हमारा क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए लॉन्ग टाइम तक, तो उसके कारण इस मटेरियल में जो भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे वो कौन सी प्रॉपर्टीज के कारण होंगे, क्रीप के कारण, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, कोई मटेरियल हमारा है जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है, तो सबसे मोस्ट और सुटेबल प्रॉपर्टीज स्टिफनेस हमने आपको बताया था जिसे बोलते हैं कड़ापन, यह हमारा क्या करता है, किसी मटेरियल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है। जैसे मान लो ये रॉड है, अब अगर हम इसे लोड पी लगाएं तो इस लोड को कुछ ना कुछ रजिस्टेंस फील होगा कि कोई इसे रोक रहा है, वह रोकेगा इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ स्ट्रेस। अब यह स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हो रहा है वह किस कारण, स्टिफनेस के कारण, ड्यू टू अंडर द इलास्टिक लिमिट, यह हमारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी इजिली ड्रॉन इन टू वायर या थिन वायर, तो हमने आपको क्या बताया है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी इजिली ड्रॉन इन टू थिन वायर, तो जिस मेटल में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होगी उसी को हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टिन हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर इन सब में सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पतले वायर में खींच सकते, और थिन वायर में खींचने की प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहलाती है,
डक्टिलिटी। तो ये हमारी होती है डक्टिलिटी। देन आफ्टर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल इट टू रजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड। जब किसी मटेरियल में हाई इम्पैक्ट लोड लगाएं तो उसके कारण उसके अंदर जो फ्रैक्चर उत्पन्न हो रहे हों उसे रजिस्ट करने की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रैक्चर उत्पन्न होने से पहले उस पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसी को वह रजिस्ट करती है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वह किसके कारण होती है, टफनेस के कारण। टफनेस की देखो ब्रिटलनेस आपका क्या होता है, कोई मटेरियल है आपने लोड लगाया वह सडन ब्रेक हो गया, ब्रिटलनेस हो गया। डक्टिलिटी आपकी क्या होती है, कोई मटेरियल है आपने इस पर क्या किया लोड लगाया या अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ऐसी प्रॉपर्टीज को डक्टिलिटी कहते हैं। टफनेस क्या होता है कि आपने इस पर जैसे मटेरियल है अब इस गोले से आपने इस पर सडन काइनेटिक एनर्जी के ही हाफ एमवी स्क्वायर से आपने इस पर लोड लगाया और ये टोटल एनर्जी इसके अंदर आकर इंपैक्ट करके यह बॉल्स रिटर्न चला जाएगा, लेकिन यह टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा तो इसके अंदर यह एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग टफनेस बोलते हैं। सिमिलर हार्डनेस हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफ स्क्रैच, रेजिस्टेंस ऑफ स्क्रैच इज कॉल्ड हार्डनेस, ये हमारा हो गया। देन आफ्टर एन एलोट्रॉपिक मटेरियल हैज, एलोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, अभी मैंने आपको शुरू के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था होमोजेनियस मटेरियल क्या होंगे, आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होंगे, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो एलोट्रॉपिक मटेरियल्स हमारे क्या होंगे, ऐसे मटेरियल देखो पहला ऑप्शन है एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रैंडम पैटर्न। जैसे मान लो कि ये कोई मटेरियल हो इसके अंदर जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन हो कुछ इस तरीके से रैंडमली हो तो क्या ऐसे मटेरियल को एलोट्रॉपिक कहेंगे, नहीं कहेंगे। सेकेंड कह रहा है एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिक्स पैटर्न, तो क्या हम इस तरीके से अपने। थर्ड कह रहा है डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट कह रहा है फिक्स्ड स्ट्रक्चर एट ऑल टेम्परेचर। तो देखो जब हम एलोट्रॉपिक, आयरन इज ए एलोट्रॉपिक मटेरियल, मतलब उस पर अगर हम लोग अलग अलग टेम्परेचर दें वह अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है। तो एलोट्रॉपिक का मतलब यह है कि सेम आयरन ही है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे वह अपनी प्रॉपर्टीज को बदल रहा है, और प्रॉपर्टीज तभी बदल रही हैं जब उसके अंदर कुछ उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। देन आफ्टर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए टेंसाइल टेस्ट नीक अपीयर्स इन द मटेरियल। जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं, ये हमारा हो गया कोई, अब इसमें देखो ये जो नीकिंग स्टार्ट हुई थी, ये नीकिंग हमारी स्टार्ट हुई, तो अब ये जो नीकिंग हमारी बनी ये नेकिंग हमारी कहाँ पे होगी, ये नेकिंग हमारी कहाँ पे होगी, इस वर्क पीस के सेंटर पे होगी या इस किनारे पे होगी या इस किनारे पे होगी। तो यह जो नेकिंग हमारी है डियर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी स्टार्ट हो सकती है। यह नेकिंग जहाँ पर मॉलिक्यूल्स अंदर वीक मिलेंगे वहीं पर नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नेकिंग यही क्वेश्चन कह रहा है इन ए टेंसाइल टेस्ट नेकिंग अपीयर्स इन द मटेरियल, कहाँ पर नेकिंग दिखाई देगी। ऑप्शन ए कह रहा है एट द सेंटर ऑफ स्पेसीमैन, ये जो स्पेसीमैन का सेंटर है क्या यहीं पर नेकिंग स्टार्ट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन द गेज लेंथ ओनली, तो ये कह रहा है कि क्या केवल इस गेज लेंथ पर ही हमारी नेकिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट कह रहा है एनीवेयर इन पैरेलल लेंथ, और नेक्स्ट कह रहा है एनी वेयर इन फिक्स्ड पॉइंट, तो हमारे जो फिक्स्ड पॉइंट हैं
उसके कहीं पर भी नेकिंग हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं पर भी स्टार्ट हो सकती, वो यहाँ पर भी ऐसे स्टार्ट हो सकती है, यहाँ पर भी ऐसे स्टार्ट हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इस तरीके से नेकिंग हमारी कहीं पर भी स्टार्ट हो सकती है। और नेकिंग कहाँ पर स्टार्ट होगी? डक्टाइल मटेरियल में एबव, एबव अल्टीमेट पॉइंट पर, अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर जब हम लोड को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर हमारी नेकिंग स्टार्ट होती है। इस तरीके से ये हमारा पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा पॉइंट ए, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा पॉइंट बी। पॉइंट ए हमारा क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट, पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट, फिर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, सी और डी, फिर यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसके बाद फिर इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाता है अल्टीमेट पॉइंट। और यहाँ पे आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी नेकिंग होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या होती है? स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग। और यहाँ पे आपकी क्या होती है? नेकिंग। तो इस तरीके से ये फिनोमिना हमारा होता है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर? ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर मिलता है? नॉन लीनियर का मतलब जब स्टील स्ट्रेट डायग्राम करेंगे तो ये वाला जो बिहेवियर है वो लीनियर है। तो सबसे पहले देखो, माइल्ड स्टील के लिए भी कुछ देर तक लीनियर बिहेवियर जाता है, एल्यूमिनियम के लिए भी लीनियर बिहेवियर जाता है लेकिन आगे चेंज होकर यहाँ से बदल जाता है, कास्ट आयरन के लिए भी लीनियर बिहेवियर जाता है लेकिन रबर के लिए लीनियर बिहेवियर नहीं जाता है। रबर के लिए हमारा कैसा होता है? ये होता है नॉन लीनियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ईच पॉइंट सच एज मटेरियल इज कॉल्ड। तो आपको मैंने बताया था, देखो सपोज करो ये हमारा मॉलिक्यूल्स है, बॉडी है, इस बॉडी पे, इस पॉइंट पे अगर हम देखें किसी भी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में अगर मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमारी सेम हो तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते थे आइसेंट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते थे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। अगर हम लोग, यही मटेरियल है और मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर किसी एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमारी सेम हो तो उसे बोलते थे होमोजीनियस प्रॉपर्टीज। ऑर्थोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक क्या होता था? एन आइसोट्रॉपिक हमारा ये होता था, एन आइसोट्रॉपिक के लिए ये होता था कि किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टीज सभी दिशाओं में डिफरेंस हो, इलास्टिक प्रॉपर्टीज सभी दिशाओं में डिफरेंट हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। देन आफ्टर ऑर्थोट्रॉपिक हमारा क्या होता था कि किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैकेनिकल की प्रॉपर्टी सेम हो तो उसे हम लोग ऑर्थोट्रॉपिक। तो यहाँ क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ईच पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पर, ईच पॉइंट मतलब यहाँ पर भी सभी डायरेक्शन में यदि मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो उसे हम लोग आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। तो ये हमारा हो गया सभी प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इंडिकेशन ऑफ। किसी मटेरियल में जब हम लोग इम्पैक्ट लोड लगाते हैं तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ हमारी क्या इंडिकेट करना चाह रही है? ऑप्शन है टफनेस ऑफ द मटेरियल, नेक्स्ट आपका है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, नेक्स्ट आपका है कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग हॉट वर्क, नेक्स्ट आपका है रेजिलेंस। तो
अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जब हम किसी मटेरियल पे लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होती है, और उस एनर्जी स्टोर्ड को ही हम लोग रेजिलेंस बोलते थे। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जो टफनेस है, टफनेस ऑफ द मटेरियल, देखो दोनों चीज़ों को आप समझो, कि आप ऐसा ना हो कि आप रेजिलेंस लगा के चले आओ और आंसर टफनेस हो, और आप टफनेस लगा के चले आओ और आंसर। तो पहले ये चीज़ समझो कि टफनेस हमारी क्या होती है। जैसे हमने बताया कि कोई ग्लास ले लो, ये ग्लास की वॉल हो जाए, इस पत्थर से इस पर मारो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पर टोटल जो हीट होगी वह स्टोर हो जाएगी। अब इस पर हमने इम्पैक्ट लोड लगाया, हीट होके स्टोर हो गई, और ज़्यादा इम्पैक्ट लोड बढ़ाया तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब ब्रेक होने के पहले जितना इसने काइनेटिक एनर्जी को स्टोर किया था उसी को बोलते हैं इसकी टफनेस, और यह कब होती है, मैक्सिमम बिफोर रैप्चर, पॉइंट। तो यहाँ क्वेश्चन देखो क्या करा है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, जब इस मॉलिक्यूल से इस पर इम्पैक्ट लोड लगाएंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वह उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज इंडिकेट, तो क्या इंडिकेट करेगा, टफनेस को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा टफनेस ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट आपका है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज। इसका मतलब क्या है, देखो एक मटेरियल था, इस मटेरियल को हमने बेंड करना चाहा, ऐसे हमने बेंड करना चाहा, अब बिना फ्रैक्चर हुए ये मटेरियल जो हमारा बेंड हो रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टीज के कारण बेंड हो रहा है। ऑप्शन हमारा क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरा हमारा क्या है स्टिफनेस, तीसरा हमारा है टफनेस, नेक्स्ट हमारा है डक्टिलिटी। तो स्टिफनेस हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो डक्ट, देखो कहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्ट्रेन डायग्राम पे, तो यहाँ तक ये जो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक या इसके थोड़ा सा आगे इलास्टिक लिमिट तक अगर हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो उसे जो रजिस्ट करता है वो कौन रजिस्ट करता है, वो टफनेस ही है जो उस पर रजिस्ट करता है, सॉरी स्टिफनेस ही है जो उस पर रजिस्ट करता है। तो इस तरह से द एबिलिटी ऑफ मटेरियल विथ स्टैंड पेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज स्टिफनेस। ये हमारा हो गया आज का, हम लोगों ने क्या किया डियर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पढ़ा, और उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोगों ने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे उन सबको भी हमने किया। आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम लोग इस मटेरियल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए माय डियर, हम लोग आज का लेक्चर अपना यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू माय डियर।